हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। डोरडा में आयोजित कुटुंब यात्रा में उमड़ा जनसैलाब। महंत कुलदीप भारती जी महाराज के गांव पहुंचने पर हुआ भव्य स्वागत। जडेश्वर महादेव मठ गोलीटूंग एवं कटकेश्वर महादेव मठ मायलावास के महंत कुलदीप भारती जी महाराज के करीब 10 वर्ष के बाद इनके गांव डोरडा में कुटुंब यात्रा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को लेकर गांव में सवेरे भव्य शोभा यात्रा निकाली गयी, जो गाँव के विभिन्न मार्गो से होते हुए कार्यक्रम स्थल पर पहुँच कर विसर्जित हुई। शोभा यात्रा में बैंड बाजों की धुनों पर युवक युवतियाँ जमकर थिरके, वही रत्नुमा वाहनों पर संत महात्माएं विराजमान थे। इस दौरान श्रद्धालुओं के जयकारों से वातावरण भक्तिमय हो गया। इसके पश्चात महंत कुलदीप भारती जी महाराज इनके घर भिक्षा लेने पहुंचे। इस दौरान शंभू सिंह जी पुत्र दौलत सिंह जी देवल के परिवार जनों द्वारा ढोल धमाकों के साथ साथ ही पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत हुआ, जहाँ उनके परिवार जनों द्वारा उन्हें भिक्षा दी गयी। इसके पश्चात गुरु महंत प्रेम भारती महाराज से आशीर्वाद लिया गया। कार्यक्रम में साधु संतों की उपस्थिति में धर्म सभा का आयोजन हुआ और धर्म सभा को संबोधित करते हुए महंत लहर भारती जी महाराज ने कहा कि व्यक्ति को अवगुणों से दूर रहकर सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए और जन कल्याण कार्य करने चाहिए। उन्होंने कहा कि व्यक्ति को अपने निजी स्वार्थ से ऊपर उठकर जीव मार्ग की भलाई के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए और जीव को अपने उद्धार के लिए हरि नाम स्मरण कर मानव जीवन के कल्याण हेतु कार्य करना चाहिए। इस दौरान हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने संत महात्माओं से आशीर्वाद लिया। संत महात्माओं का रहा सानिध्य। कार्यक्रम में महंत रणछोड़ भारती जी, महंत बाबू गिरी जी, प्रेम भारती जी, लहर भारती जी महाराज, महंत काशीनाथ जी महाराज, लाल भारती जी, महंत उमद गिरी जी महाराज, पारसराम जी महाराज, विष्णु रूप जी महाराज सहित सैकड़ों संत महात्मा उपस्थित थे। कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक नारायण सिंह देवल ने भाग लिया। महाप्रसादी में उमड़े हजारों श्रद्धालु। कार्यक्रम में आयोजित महाप्रसादी में आसपास के गांव सहित जिले भर से हजारों श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। जागरूक टीवी के लिए जसवंतपुरा से खास रिपोर्ट।